आज जाकर मंडी या आप जहाँ भी आप करके आए हो, यहाँ समस्या बहुत ज्यादा है। इसके अंदर जी कई ऐसी समस्या है कि आड़ती और किसान परेशान है। एक तो जमीन, जैसे कईयों की किसानों की जमीन नहीं चली, वो रोज कह देते हैं कि पोर्टल खोलेंगे, तो अगर पोर्टल नहीं खोल रहा जमीन चीरी उन्होंने काट के अपने घर फेंक दी और वो बिक रही है। दूसरा सर एक इसका है मामला, तीन एजेंसियां परचेज करनी है, दो हमारी स्टेट की, एक सेक्टर की एजेंसी FCI की। उस FCI को आरती भी माल भी तुलवाना चाहता, पता नहीं रीजन क्या है, पैसे देने हैं या तो पंजाब का माल ना नहीं सही, भारतीय भी परेशान है और जमींदार भी परेशान है। हमारा 80% लेन देन जो है पंजाब के किसानों से है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन तू आने में मेरी आड़ती से बात हुई थी, उन्होंने सब लाइसेंस को दिया। आज आपने जाखल अनाज मंडी का दौरा किया है और आड़तियों ने अपनी समस्याएं आपको बताई हैं, क्या आश्वासन दिया गया और इनका क्या समाधान है? इनकी तीन चार समस्याएं हमारे आड़ती भाइयों द्वारा, व्यापारी भाइयों द्वारा, किसानों द्वारा बताई थी। इन्होंने जो समस्याएं मुझे बताने काम किया, मैंने आगे डीसी साहब तक उनको भेजने का काम किया है, और जो सीनियर अधिकारी हैं चंडीगढ़ में उनको बात करते हैं। एक तो पर्टिकुलर जो पोर्टल को दोबारा खोलने की बात आई थी, जो मेन मुद्दा हमारी टोहाना मंडी के व्यापारियों ने, किसानों ने मुझे बताया, धारचुल में भी समस्या थी और यहाँ तक नहीं समस्या। तो प्रशासन में जो अधिकारी है उनको निर्देश दिए गए, इसको एक बार रजिस्ट्रेशन करके ऊपर अधिकारियों से, इसको 2 या 3 दिन के जो भी 5 से 10% हमारे जमींदार रह गए थे, वो दोबारा से आपका रजिस्ट्रेशन करवा सके, जिससे जमींदारों को समस्या दोबारा ना आए। तीसरा तो परचेज का जो मामला था, एजेंसियों के दिनों को बढ़ाने की बात, वो मामला भी इन्होंने हमें बताने का काम किया, तो हमने उसको भी आगे डीसी साहब के संज्ञान में लेने का काम किया, और जो अधिकारी है विभाग से संबंधित उन तक भी हमने बताने का काम किया। एक ये परचेज पंजाब की जल्दी, और दूसरा एक जो मेन मुद्दा हमारे पर्टिकुलर दखड़ ब्लॉक को लेकर, यहाँ जो बिजाई है वो पूसा 44 और PR 6 और हाइब्रिड जो वैरायटी है उनकी ज़्यादा हुई, उसकी यील्ड ज़्यादा है, करीबन प्रति एकड़ वो 90-95 मण के आसपास होती है। तो जो सरकार की खरीद है वो, तो हालांकि सरकार के द्वारा पहले 27 क्विंटल से बढ़ाकर उसको 30 क्विंटल किया गया, लेकिन इन लोगों की मांग है कि वो हमारे यहाँ ज़्यादा है, हमें 35-40 क्विंटल तक हमें जमींदार की यील्ड होती है, उसको वो सरकार खरीद करे। और एक पंजाब से लेके, क्योंकि बहुत सी जमीनें, बहुत से आड़ती पंजाब से यहाँ पर जो हमारे राइस मिलर हैं उनकी एक मांग थी कि जो उनके जितने हमारे राइस मिल लगे हुए हैं उस की कैपेसिटी को पूरा करने के लिए उनको कुछ साउंडिंग, जो हमारे यहाँ गांव तो यहाँ है लेकिन उनकी ज़मीनें पंजाब में हैं जी जी, वो डीरी परचेज करने की हमें पोर्टल पर इजाज़त दी है, ये इनकी मांग थी। इनका एक इन्होंने मांग पत्र मुझे देने का काम किया, मैंने वो हमारे कलेक्टर हैं DC उत्तर भेजने का काम किया, और ऊपर जो सीनियर अधिकारी हैं। इस मामले में सरकार की ओर से घोषणा भी की जा चुकी है कि जो पंजाब की धान है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में हम खरीद करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर अभी डेट क्लियर नहीं की जा रही है, और सबसे बड़ी बात है सरकार ये कह रही है कि पहले हम अपनी लोकल मंडियों की खरीद करेंगे, तो ये कब से खरीद शुरू होगी? नहीं, उसमें जो इनको पर्टिकुलर जो मेरे को आड़ती भाइयों से के माध्यम से पता चला, किसान भाइयों से, कि वो 19 तारीख के बाद जी सरकार उसको बोलना चाहती है कि जो पहले हमारे हरियाणा की फसलें आ जाएँ जी, साथ में फिर हम पंजाब से भी रिलेटेड जो इनकी आड़ती है उनकी भी जो धान की फसल उसको फिर काम करेंगे जी जी। इनकी मांग थी कि उसमें हमें 2-4 एकड़ रिलेक्सेशन मिले, वो मांग भी मैं इनकी आगे मुख्यमंत्री जी तक और दूसरे चौटाला के सामने रखने की काम करें जी, ताकि किसानों को जो समस्याएँ छोटी मोटी हैं ये दूर हो सके जी। सर विराग जी, एक अलग बात आपसे जानना चाहते हैं, इस समय जो सरकार है वो किसानों के कृषि कानून को लेकर अपनी तरह से पूरी तरह अपने अड़िग है, वहीं दूसरी ओर जो किसान हैं कई गांवों में विरोध कर रहे हैं, कई राजनेताओं का जो है विरोध कर रहे हैं, कई गांवों में यहां तक कि राजनेताओं के आगमन पर भी वो बैन लगा रहे हैं, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? एक बार उन लोगों के पास जाइए जो लोग ये विरोध कर रहे हैं जी, तो कौन लोग हैं जी? क्या किसी के पास 1-1.5-2 एकड़ में तो धान की फसल होने की चाहिए? धान तो किसान तो बेचारा अपने फसल कटाई में व्यस्त है जी। वो तो इस टाइप के प्लांटेड लोग हैं जी, जो एक किसी को काले झंडे देकर हाथ में खड़ा कर दिया जाता है, कुछ मेरे सामने जैसे विभाग के
जो हमारे सीआईडी विभाग है उसके द्वारा जब रिसर्च करवाने का काम किया, कोई समय बिकने वाले हैं जी जी, इस टाइप के लोग जो ज्यादा सड़कों पे हल्ला गुल्ला बचाने वाले लोग हैं, किसान तो अपनी खेती की कटाई में लगा हुआ है जी सर, और फसल को मंडी में लाके बेचने वाला है, उनको गलत तरीके से लोग यूज कर रहे हैं। वो ऐसा जब ऊपर से प्रधानमंत्री जी ने जी सर, हमारे प्रदेश के मुखिया ने दुष्यंत ने शिव ने कहा कि हमें बिकेगी, अभी मेरे सामने बताया पीआर 6 जीरी 1975 रुपए खरीदी गई है प्राइवेट राइस मिलर द्वारा, जो सरकार का 1888 और 1868 रुपए रेट है, उस जीरी को मेरी ही मंडी ब्लॉक की मंडी दखड़ में खुद यहाँ मेरे आड़ती द्वारा मुझे बताया गया, अभी मेरे किसान भाइयों द्वारा बताया गया 1995 रुपए खरीदी गई है, करीबन करीबन 125 रुपए का रेट फालतू मिला है। तो किसान को तो MSP भी मिलेगा, हर फसल का मिलेगा, चाहे आज धान की बात है चाहे आने वाले समय में गेहूँ की बात हो, ठीक सरकार उसके लिए बिल्कुल पहले भी खुले तौर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कह चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा पोर्टल पोर्टल का मामला आया है जिसमें थोड़ा सा लाइने पोने में, कोरोना की वजह से कोविड है जी, उस वजह से भी थोड़ा सा इस लाइने पोने में तो स्मूथ होने में कहीं कहीं छोटी छोटी दिक्कत है, इनको दूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।